ये आपको दिखेंगी तो जैसे कहीं नाटक हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ठुमके लगाते जरूर दिख जाएंगे। हमारी फीस वृद्धि वापस हो जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि हमको शिक्षा चाहिए। जब शिक्षा हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोग लड़ लेंगे। तो हम सब आम छात्र हैं, आम गरीब किसान हैं, तो हमारी आवाज भी उठनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल पूंजीपति ही उठे, हम भी उठेंगे एक दिन, लेकिन जब हमारी आवाज उठेगी तब ना, जब शिक्षित होंगे तब ना उठेंगे। 2,000-2,500 हम लोग को मिलता है पर मंथ खर्चे में, अब उसी में आप फीस बढ़ा देंगी, उसी में हमको रूम का किराया देना है, उसी में खाना, बताइए आप कैसे करेंगे। मतलब आवाज मत उठाइए, गलत के खिलाफ बोलिए मत। अगर आप बोलेंगे तो आपको दबाने का काम वहाँ पर वहाँ के कुलपति के द्वारा जरूर किया जाएगा। हमारे पास दो ही तो किडनी है, एक बेच देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। कौन कह रहा है आपको किडनी बेच? हमारी बीसी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। अभी जो सामने आप ये छात्र देख रहे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, इनकी जो मांग है वो है फीस की वृद्धि जो बढ़ा दी गई है उसको लेकर के है कि वृद्धि क्यों बढ़ाई गई है। तो ये लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। सामने आप ये बैनर देख रहे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र छात्राओं का सत्याग्रह। अब यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है, तो अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरीके का सत्याग्रह चल रहा है। सर क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार गोलू है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। इलाहाबाद लिखा हुआ है, प्रयागराज हो गया है ना नाम? तो नाम तो हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद है ना। नाम बदलना चाहते थे, खुशी नहीं है? नहीं, नाम बदले अगर, लेकिन काम भी तो बदले। सर काम क्या हो गया, क्या कुछ हो गया है कि वृद्धि बता रहे हैं आप? वृद्धि हो चुकी है, तो कितनी वृद्धि हो गई है? पहले कितनी फीस थी? मैम पहले 975 रुपया थी, अब 2900 हो गई है, और 3700 रुपया हो गई, 3700 कुछ रुपया हो गई है। अभी ये बताइए कि एक बैग 4 गुना फीस बढ़ा दी है। अगर आपको फीस बढ़ाना था तो आप 100 रुपये 150 रुपये भी बढ़ा सकती थी। एक बैग अगर छात्रों के ऊपर अगर आप इतना ज्यादा फीस बढ़ाएंगे तो छात्र कैसे दे पाएंगे? तो मतलब आप लोग छात्र किस किस तबके से आते हैं, पहले सबसे पहले आप ये बताइए। हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं, हम लोग ये नहीं किसी पूंजीपतियों और किसी बड़े बाप के बेटे हैं, हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं। ना हमारे पास उतना जमीन है कि नहीं, हमारे पास मुश्किल से 2-2.5 बीघा जमीन होगी, और हमारे पास ये भी नहीं कि हमारे पास सरकारी नौकरी हमारे पिताजी के पास है ना, हमारे पास मजदूरी ठेला कुंचा चलाते हैं, इसी से हमारा गुजारा चल रहा है। 2,000-2,500 हम लोग को मिलता है पर मंथ खर्चे में, अब उसी में आप फीस बढ़ा देंगी, उसी में हमको रूम का किराया देना है, उसी में खाना, बताइए आप कैसे करेंगे। तो खाना वगैरह की सुविधा किस तरीके से है वहाँ, उसका भी फीस और आपसे लिया जाता है? मैम ये बता रहे हैं कि 3 साल से हो गया, कोरोना काल चल रहा था, हम लोग का एडमिशन, मैं सेकेंड ईयर छात्र हूँ, और एडमिशन हुआ हम लोग का, मतलब उस एडमिशन भी हुआ, नंबर भी अच्छे आए, हम लोग को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया गया। ये किया गया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी पिछले वाले छात्रों का वहीं कुछ नहीं। अब बताइए कब तक कोरोना काल चलेगा, अब तो कोई मास्क नहीं है। आप लोग सब जो है कैटेगरी से आते हैं? मैं, हम लोग सभी कैटेगरी के हैं। कैटेगरी से हैं, क्या लगाते हैं आप? हम गुमार लगाते हैं, हम एससी से हैं। एससी कैटेगरी से? हाँ। और बाकी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग जनरल ओबीसी एससी, सब हर समाज के लोग हैं। ये नहीं कि किसी एक समाज का मुद्दा है, ये हम लोग को छात्र हैं, हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि हम लोग किस कैटेगरी के, कि हम लोग बस छात्र हैं, बस छात्र हैं। लेकिन अब फीस बढ़ने से दिक्कत क्या हो रही है आपको? फीस बढ़ गई है, राम राज्य आ गया है ना? राम राज्य आए, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको शिक्षा से मतलब है, शिक्षा को कम करना चाहिए, तो शिक्षा को बढ़ाइए ना। शिक्षा कहाँ, आप लोग सबसे ज्यादा आप लोग राजनीति में रहते हैं, आप लोग राजनेता बनते हैं, एबीवीपी ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग? मैम हम इस पर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि फीस वृद्धि है। मैं भी उसी मुद्दे पे ही बात करते हुए आपसे बात रख रही हूँ कि आप ही छात्र लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा नेतागिरी में होते हैं, और सबसे ज्यादा यूपी का नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है। ये हम लोग नेता, कोई छात्र नेतागिरी नहीं कर रहा है यहाँ, हम लोग आम 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद 24 तारीख से पिछले आमरण अनशन चल रहा था, 2 महीने प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ, तो 24 तारीख से आमरण अनशन चला है, और हमारे कुछ छात्रों की साथियों की हालत इतनी खराब होगी, नाक से मुंह से भी खून आ गया, किडनियों में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने को नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारी बात को सुना जाए।
तो अभी जो आप लोग आए हैं, मात्र 10 लोग आप बैठे हुए हैं, बाकी तो छात्र यहाँ दिख नहीं रहे। देखिए, हमारे साथी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमरण अनशन पे है, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती, उनके सीनियर होते हैं कहलाते, कि उनको मरने के लिए वहाँ अकेला ना छोड़ के उनके साथ वहाँ रहा जाए, उनके साथ वहाँ रहा जाए। हमारे ज़्यादातर साथी वहीं पे हैं, हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और हमारे जो सीनियर, हम ये फीस वृद्धि वापस करा लेंगे, बशर्ते हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मीडिया का सपोर्ट जो सत्य को दिखाए। और सत्य ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% अचानक से फीस वृद्धि कर दी गई। ये चाहते हैं कि हम किडनी बेच दें, हमारे पास दो ही तो किडनी है, एक बेच देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। कौन कह रहा है आपको किडनी बेच? हमारी बीसी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अरे जब हम लोग पर्चा बांटते हैं, एक पर्चा हम लोग यहाँ 1000 पर्चा बांटते हैं कोचिंगों का, 100 रुपये पाते हैं, 10 दिन बांटेंगे 1000, तो 10 दिन बांटेंगे तब जाके हम लोग फीस भरते हैं साल भर की। अब हम 4000 कैसे भरेंगे? हमको LLB करना होगा तो हम 50000 भर पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है, मैं इलाहाबाद के कुराँव से, एक छोटे से कस्बे से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और एकदम मध्यम वर्ग के किसान हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जो कुलपति हैं उनका नाम श्रीवास्तव, संगीता श्रीवास्तव है, सब तानाशाह है, उनके लिए तानाशाह शब्द भी छोटा पड़ता है। हिटलर तो कम से कम मौत दे देता। यूपी में राम राज्य आ गया, आप हिटलर की बात कर रहे हैं, तानाशाही की बात कर रहे हैं। देखिए, राम राज्य से हमसे मतलब नहीं है, मेन मुद्दा फीस वृद्धि का है। हमारी फीस वृद्धि वापस हो जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि हमको शिक्षा चाहिए। जब शिक्षा हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन जब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग को शिक्षा ही नहीं दी जाए, हम लोग जीते जी ये मार रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मरने से अच्छा है हम लड़कर मरना पसंद करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय से 3 प्रधानमंत्री दिए हैं हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सैकड़ों सांसद और दर्जनों मुख्यमंत्री, और हमारे सीनियर पदों पे हर एक सेक्टर में हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, वो शायद हमें इस वक्त देख भी रहे होंगे। तो हम उनसे यही चाहेंगे कि हमारी आवाज़ बनी। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अस्तित्व और गरिमामयी इतिहास खतरे में है, आपको जूनियरों की आपकी आवश्यकता है, हमारी आवाज़ बनी है, आप हमारी आवाज़ में। खतरे में कैसे है? खतरे में यह है कि जब हमारे ऊपर, हम एक आम छात्र है ना, हमारे ऊपर 18 मुकदमे, 8 मुकदमे लिखे जाएंगे, 18 7 CLA जैसे मुकदमे लिखे जाएंगे, कहाँ के हम नौकरी करने के लायक रह नहीं गए, बताइए हम कहाँ जाएंगे। आप छात्र लोग जो है सबसे ज्यादा संगठन ज्वाइन करते हैं और राजनीति में आते हैं, आप ही छात्र सबसे पहले होते हैं और सरकार को लाने वाले भी आप ही छात्र लोग सबसे पहले होते हैं। देखिए, सरकार जब भी कोई आती है तो एक विचारधारा होती है कि हम लोग इसके लिए ला रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई हमेशा के लिए लोकतंत्र की ताकत है कि स्थिर नहीं रहती है। अगर हम आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आए हैं, लेकिन आप उस वक्त आपको उस पद का घमंड होता है तो ये जनता आपको तुरंत गद्दी से नीचे फेंक देगी। तो इसलिए सरकारों को अपना ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए, आपका जो कर्तव्य है उसको करना रहना चाहिए, सत्ता का मान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वृद्धि जो करी गई है फीस में, उससे क्या बुलडोजर लाया जा रहा है? लगातार जो यूपी में बुलडोजर की जो बात चल रही है, लगातार बुलडोजर इतना हथियार बना दिया गया है, तो क्या उन फीस के पैसों से बुलडोजर मंगाया जा रहा है, तभी बढ़ोतरी हुई आपकी? अब देखिए, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहली बार तो राज्य विश्वविद्यालय नहीं, तो राज्य के अंडर नहीं आता, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये केंद्र देखती है और केंद्र हमारा माननीय नरेंद्र मोदी के तहत आता है। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये UGC के अंतर्गत आता है, MHRD के अंतर्गत आता है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो यहाँ राज्य का कोई राष्ट्रपति के अंतर्गत है, यहाँ राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में पूरब का ऑक्सफर्ड कहा जाता था पूरा, लेकिन जब से हमारी ये BC महोदय आई हैं तब से ये अंडर 200 की रैंकिंग से भी खराब हो गया है, उस टॉप 200 के बाहर हो गया। महोदय क्या सवर्णों के लिए ही काम कर रही हैं? सवर्ण की बात नहीं है, देखिए जातिवाद हम लोग विश्वविद्यालय में हम लोग नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय है कि नहीं है आपके विश्वविद्यालयों में? नहीं है, देखिए हम कुशवाहा हैं, ये पांडे हैं, लेकिन अगर हम आए हैं केवल हम लोगों की मांग है, जाति और मुद्दे धर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं चलते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चलती है तो एकता, एक मंच पे आते हैं, छात्र हितों की बात आती, आपस में कितने भी मतभेद हो लेकिन जब भी छात्रों की आवाज़ दबाई जाती है तो सारे छात्र एक साथ दिखते हैं, चाहे मर मिटने की बात होती है, चाहे तभी एक साथ क्यों नहीं है यहाँ पे आधे लोग कहाँ। हम इसलिए हम बोलना चाहेंगे
कि हमारे जो छात्र लगभग हजारों की संख्या में तैयार थे, मगर क्या है कि हम लोग शाम को चलना होता है और सबके घर से बहुत ज़्यादा नहीं 2,000-2,500 फंड आता है, मतलब महीने के लिए खर्चा आता है। उसमें 1,000 रुपये हम लोग को हॉस्टल तो प्रोवाइड किया नहीं गया, इतने अच्छे मार्क्स से हम लोग एंट्रेंस क्लास पास किए थे, फिर भी तो क्या हुआ कि हम लोग 1,000 रुपये तो हमारे लोग का रूम रेंट में चला जाता है और बचता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में हम लोग अपना खर्चा चलाएंगे कि हम इलाहाबाद यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे आएंगे, तो हजारों की संख्या में तैयार होने के बावजूद भी हाँ हम लोग सिर्फ 10-15 लोग ही आ पाए, क्योंकि हम लोग अपना व्यवस्था करके यहाँ पे आए ताकि हम अपनी आवाज को उठा पाए। मगर हमारी विश्वविद्यालय, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार है, हम BA इसमें तृतीय वर्ष के छात्र हैं, फाइनल ईयर के। मगर हमारे जो विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, रिसर्च स्कॉलर और गेस्ट फैकल्टीज पढ़ाई गई, अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, फिर रिसर्च स्कॉलर से सुनने में आ रहा है कि अब 2 महीने रह जाएगा जब परीक्षा होने के लिए। चलो अभी और भी लोगों से, क्या नाम है आपका सर? मैम अमित कुमार पांडे रफ्तार। देखिए मैम, हमारी समस्याएं फीस वृद्धि है और हम फीस वृद्धि के लिए आज मतलब इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमारे पास जब कोई मार्ग नहीं दिखा तो हम सोचे कि ये जंतर मंतर जो है वो केंद्र बिंदु है जहाँ से हमारी आवाज़ हो सकता है उठ सके, तो लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चलें, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ भी आंदोलन करते हैं तो वहाँ पर हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है, वहाँ पर हमारे ऊपर 7 CLA जैसे मुकदमे दे दिए जाते हैं, तो मतलब हम सब आम छात्र की आतंकवादी मतलब नजर आते हैं। हम विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं करते हैं उससे पहले जो है वहाँ पर लगभग 1,200 की संख्या में केंद्रीय प्रशासन मतलब CISF कहिए या फिर जो है ये आपके RPF के जवान, RF के जवान और साथ साथ जो केंद्रीय प्रशासन है वहाँ के और जिला प्रशासन है मतलब सब तैनात रहते हैं छात्रों को, मतलब कोई आवाज़ दबाने के लिए ही तो ये काम किया जा रहा है, उनको डराने धमकाने का काम किया जाता है। जब छात्र आंदोलन पर बैठते हैं तो उनको लाठियां पहले तो पटक के डरवाते हैं, उसके बाद खेदते हैं, फिर अगर जब 4-6 लड़के मिल जाते हैं तो उनको लातों से भी मारते हैं। ये समस्याएं हमें खुद जो है घसील कर लगभग जो है 300-400 मीटर तक घसील वहाँ के प्रॉक्टर और जिला प्रशासन और साथ साथ जो वहाँ के गार्ड हैं विश्वविद्यालय के वो खुद लेकर 200-300 मीटर तक गए थे। तो ये तो वहाँ की स्थिति है, मतलब आवाज़ मत उठाइए, गलत के खिलाफ बोलिए मत, अगर आप बोलेंगे तो आपको दबाने का काम वहाँ पर वहाँ के कुलपति के द्वारा जरूर किया जाएगा। और ऐसा तानाशाह कुलपति एक महिला है, जो कि लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है वो इतनी हाँ प्रेम की देवी होती हैं, जो हमें तो नहीं लगता है, हम उनको देख कर तो नहीं लगता है कि अब लोग जो है महिलाओं के प्रति एक जो छवि हम लोगों के मन में थी वो देख के तो अब ऐसा नहीं लगता है कि हमें आगे महिलाओं की ऐसी छवि फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आज बात करती हैं कि हम पहली महिला हैं और महिला का सम्मान भी लेती हैं पहली महिला का। ये हमें लगता है कि आगे आगे आने वाली जो समय है उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं धोमिल भी कर रही हैं कि इतना तानाशाह मतलब महिला भी हो गई हैं, ये हिटलर वाली चाल चल रही है, तो जैसे हिटलर जाना जाता तानाशाह के लिए वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव भी अपना नाम जो है दर्ज करना चाहती हैं इतिहास में, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के बहुत शौक रहता है इन्हें। ये आपको दिखेंगी तो जैसे कहीं नाटक हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको ठुमके लगाते जरूर दिख जाएंगे। इनका एक वीडियो वायरल हुआ इस तरीके की बात मैम, इनका एक पर्सनल भी तो है, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे ना, पर्सनल है तो जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं 25-25 दिन आमरण अनशन चलता है, वहाँ पर्सनल नहीं होता है, हम सब छात्र उनके बेटे के समान है, हम लोगों ने उनका नाम अम्मा धरा है विश्वविद्यालय में, हम लोग उन्हें अम्मा कह के पुकारते हैं। अम्मा किसको बुलाते हैं, अपनी माता को बुलाते हैं ना, तो ये फिर अपने माता का जो है फर्ज क्यों नहीं निभाती हैं, ये जो है कुमाता वाला फर्ज क्यों निभाती हैं, आखिरकार छात्र मर जाएगा तब आप आएंगी, उसके अर्थी को कंधा देना आएंगी आप, कब आएंगी, नाक से खून, मुंह से खून, किडनी में इन्फेक्शन हो जा रहा है, किडनी डैमेज हो जा रही है, लीवर जो है खराब हो जा रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो जा रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आप जो है मतलब बन रही है, उनकी बात को नहीं सुन रही है। प्राक्टर आते हैं तो जो है गला दबा देते हैं, नाखून हमारे यहाँ मार दिए थे अभी पिछली बार जो है लगभग 15-20 दिन पहले, ये 2 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, हमें जो है घसीला कर कुछ दूर लेकर जाते हैं, उसके बाद हमें धमकी भी हमारे घर पे दी जाती है कि आपके बेटे की करियर और जिंदगी दोनों हम ताप लेंगे, बर्बाद कर देंगे अगर आप ये दिखा विश्वविद्यालय कैंपस में भी। तो शिक्षा तो मुद्दा ही नहीं है ना, शिक्षा मुद्दा ही नहीं है, तो आप लोग किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना था, छात्रों को ही चाहिए था, आप युवा ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, राम राज्य आ चुका है, खुश हो जाना चाहिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, नाम बदले जा रहे हैं, आप लोगों की खुशी तो उसी में है। देखिए हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हैं,
उसके बाद जो है सो है। तो हम एक हिंदुस्तानी के नजरिए से सबको देखते हैं और उसी नजरिए से कार्य भी करते हैं। हिंदुस्तानी के बाद हम छात्र हैं, तो हम छात्र हैं तो भाई समस्त छात्र जो है एक है, ना तो उसमें जाति है, ना तो धर्म है, ना तो मजहब है। क्योंकि अगर छात्र ही धर्म मजहब करेंगे तो शिक्षक भी तो किसी धर्म से आते हैं, छात्र भी किसी धर्म मजहब से आते हैं, तो फिर पढ़ाई और लिखाई का मतलब एक जो हमारे कौन युवा है जो धर्म और मजहब की बात करते हैं और ऐसी रैलियों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं जो है एक कट्टरपंथी होता है, तो हम इसके खिलाफ हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम एक छात्र हैं, वो अपनी विचारधाराओं के हिसाब से चलते हैं, उन्हें जो शिक्षा मिला है या वो भी कई कई प्रोफेसर भी होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ हम लोग, हमारा मुद्दा सिर्फ फीस वृद्धि है, ये हमारा मुद्दा जो है, हम यही चाहेंगे। शिक्षा मंत्री से भी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री के पास तो हम लोगों ने कई बार ईमेल कर चुका, लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या में ईमेल हो चुके हैं, राष्ट्रपति के पास हो चुके हैं, UGC के पास हो चुके हैं, कोई परिणाम नहीं अभी तक, न तो कोई हमारे पास इसके लिए बैकअप भी दिए वो लोग कि आप जो है कोई फीडबैक देना चाहिए उनको, ना कुछ नहीं। आखिरकार हम एक छात्र की अब जब लोकतंत्र क्या रह गया, फिर ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। और भी जगह जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय दिल्ली के हैं, वहाँ पे भी फीस वृद्धि करी गई है और हॉस्टल से खाली करवाया जा रहा है उनसे भी, लेकिन बोला तो यही रह जा रहा है कि राष्ट्र हित में हो रहा है ये फीस वृद्धि भी। मैं ये कहना चाहूंगा अगर हित में आप इतना नहीं कर सकते, राष्ट्र हित का मतलब ये होता है कि राष्ट्र चलना भी तो चाहिए राष्ट्र हित में। अगर हम छात्र शिक्षित नहीं होंगे तो किसके दम पे राष्ट्र चलेगा, फिर नेताओं के दम पे चलेगा। मैं कहता हूँ कि आज जो नेता है ठीक है आप अपने मनमानी कीजिए, कल ये जब युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप किसके दम पे चलाएंगे, राजनीति करके चलाएंगे या उनका खेत बेच के चलाएंगे, उनका जो है किडनी या खून पसीना उनका बेच के चलाएंगे, किस कैसे देश विकास करेगा। जब यहाँ से इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे और जो है ऐसे निकलेंगे जो खुद जो है रोजगार दे सके, जब छात्र पढ़ेगा तभी तो ये सब कर पाएगा, वो अपने अधिकार को जान पाएगा, तभी ना आगे जो है अपनी आवाज उठा पाएगा। यहाँ से छात्र विदेशों में भी जाते हैं जॉब करने, यहाँ के छात्र जो है विदेशों में अधिकारी बनने जाते हैं, यहाँ के छात्र विदेशों में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो भाई यही के तो भी है। तो जब आप ये सब नहीं करेंगे तो कैसे ये सब होगा। शिक्षा को ही जब आप एकदम गिरा देंगे, एकदम डैमेज कर देंगे उसको, जो है मतलब उसका कमर तोड़ देंगे, तो फिर कैसे आगे जो है छात्र बढ़ पाएंगे। या एक जैसी योजना भी तो लाई गई है आप युवाओं के लिए, क्या लाई गई, कौन सी जैसी योजनाएं लाई गई है आपके लिए, उसमें इतनी सुविधाएं बताई गई है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी भाजपा कार्यालय में। तो ये बताइए मैम, जब हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमें कहाँ रखा जाएगा, हमें कौन रखेगा, शिक्षा की क्या जरूरत है, उसमें 8वीं से लेकर भी जो है अभी भर्तियां हो रही है, तो 8वीं तक भी तो पढ़ना चाहिए ना। तो जब आप शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, आप फीस वृद्धि, अच्छा तो केवल गार्डों से जो है देश चलेगा, हम ये जानना चाहेंगे क्या केवल गार्डों से देश चलेगा, और किसी की जरूरत नहीं है, गार्ड केवल देश चलाएंगे या जो है केवल लेबर देश चलाएंगे। भाई लेबर का लड़का पढ़ के वो भी तो आगे केवल पूंजीपति जो है पूंजीपति ही रहेंगे, वो लेबर नहीं बनेंगे, या जो लेबर है वो लेबर ही रहेगा, वो पूंजीपति नहीं बनना चाहेगा। तो जब शिक्षित होगा तभी तो वो जो है पूंजीपति बनेगा, कहीं ना कहीं जब हम सब पढ़ेंगे तभी तो अपने माँ बाप का जो सपना पूरा कर पाएंगे, अपना सपना पूरा कर पाएंगे, उनके खून पसीने की जो कमाई उसे सार्थक कर पाएंगे। अब अगर आप शिक्षा महंगा करेंगे तो हम कहाँ पढ़ पाएंगे फिर अपनी से, ये तो वही हुआ ना कि आप जो है उनकी कमर को तोड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर जो है शिक्षा के नाम पे उनका शोषण कर रहे हैं, यही हुआ फिर, बिल्कुल शोषण हो रहा है। जहाँ हम 975 रुपए में पढ़ते थे आज हम 3700 रुपए कहाँ से देंगे। हम सब वो छात्र हैं जो चौराहे चौराहे पर खड़े होकर पंपलेट बांटते हैं और सुबह जो है 4 बजे उठकर साइकिल से पेपर न्यूज़पेपर जो है घरों घरों में देते हैं, वो सब छात्र हम लोग गरीब छात्र किसान घर के पढ़ने आते हैं यहाँ पे। यहाँ उद्योगपतियों के घर से नहीं आते हैं जो है कि वो 10 बजे अगर उनका कॉलेज है तो वो डायरेक्ट जो है 4-व्हीलर से अपने आएंगे और क्लासरूम के सामने 4-व्हीलर खड़ी करेंगे, उसके बाद उनकी एंट्री होती है धमाकेदार। तो वो सब तो हम नहीं है ना, एक फटे पुरान गंदे कपड़े पहनकर हम लोग आते हैं, एक गमछा लेकर निकलते हैं क्योंकि हमारी वो पहचान है, एक गरीब किसान मजदूर की वो पहचान है, क्योंकि जब पसीना होता है मेहनत करते समय तो वो इसी में पोसते हैं। हमारे पास भाई इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग जो है लग्जरी बन के चले, तो हम सब आम छात्र हैं, आम गरीब किसान हैं, तो हमारी आवाज़ भी उठनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल पूंजीपति ही उठे, हम भी उठेंगे एक दिन, लेकिन जब हमारी आवाज़ उठेगी तब ना, जब शिक्षित होंगे तब ना उठेंगे। तो
अच्छा, अभी ये जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ वहाँ पर फिर कॉलेज से नाम वाम काटने का इस तरीके का बोला गया है? अरे बिल्कुल मैम, हमारे पास कई बार नोटिस गया है, तो क्या हम डर से जो है अपने अधिकार को लिए लड़ना छोड़ दें, या हम जो जान रहे हैं गलत हो रहा है गलत के खिलाफ बोलना छोड़ दें? अगर यही कंडीशन हमारे आज क्रांतिकारी जो कि हमारे शहीदों के नाम से जाने, अगर यही भगत सिंह किए होते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद किए होते हैं, उनके ऊपर भी तो जो सरकारें उस समय थी वो भी तो दबाव बना रही थी, उन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई। अगर वो सोचते तो आज हम आजाद होते, आज हम यहाँ बैठे हैं तो बैठे होते? तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की जरूरत है कि गलत जब हो तो फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हमें उसको नहीं देखना है, हमें गलत के खिलाफ बोलना है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अभी और भी लोगों से यहाँ पे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? केशव मिश्रा। तो अच्छा ये बताइए कि आपके कॉलेज में सभी के लिए ही वृद्धि की गई होगी ये इस तरीके की फीस की, तो क्या आप ही किसी जो एक तबके से आते हैं, जो एक आप लोग जो SC ST OBC जिस भी तबके से आते हैं, तो आप ही लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं या और लोगों को भी आपत्ति हुई है इस फीस वृद्धि से जो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं? नहीं, फीस वृद्धि से तो आपत्ति कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST या फिर OBC या जनरल, ऐसा कुछ नहीं है, सारे छात्र चाहते हैं कि फीस वृद्धि वापस हो। सभी को आपत्ति है जी। यहाँ पे अभी 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 आप लोगों का प्रदर्शन और वहाँ कॉलेज में भी हो रहा है जी। कितने लोग लगभग होंगे? करीब 8-10 लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। 24 तारीख से हमारा आमरण अनशन चल रहा है, 24 अगस्त से। कई हमारे साथी हॉस्पिटलाइज भी किए जा चुके हैं, कई लोगों के नाक से खून आने लगा, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, लीवर वगैरह इन्फेक्शन हो गया, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया ऐसा है कि वो हमसे संवाद भी नहीं करने आते हैं, ना हमारी कोई बातें सुनते हैं, ना हमसे कोई बात करने आता है, और हमारे अनशन को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो गार्ड्स वगैरह हैं उनसे उठाने का प्रयास करते रहते हैं। इतना कुछ आप बता रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय में हो रहा है, वो भी प्रयागराज जैसे इलाके के विश्वविद्यालय में, तो कोई भी जो मीडिया है वो आपको कवर नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है ये सब? मैम कोई मीडिया पता नहीं क्या है, मतलब मीडिया को जैसे मसालेदार न्यूज चाहिए होती है, उनको लगता है कि छात्रों की बात, मतलब छात्रों की लड़ाई मसालेदार न्यूज नहीं है, इसमें उनको TRP नहीं मिलेगी, इसीलिए हमारी बात करने कोई नहीं आता है। अच्छा, अभी आप लोग क्या कुछ ज्ञापन देने जा रहे हैं? ये ज्ञापन दिया है क्या? जी शिक्षा मंत्री को अभी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अभी 4 बजे तक हम लोग परमिशन यहाँ मिली है, तो ज्ञापन के लिए गए हैं अभी सर, ज्ञापन लेके उसको हमको कॉपी दी जाएगी। चलिए अभी जिस तरीके से यहाँ पर ये छात्र बैठे हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये छात्र यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे आगे भी जो इनके और साथी लोग हैं वो वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी मीडिया इनको कवर करके नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये छात्र जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो इनके ऊपर लाठी डंडे जैसी बरसात हो जाती है, वहीं जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो फूलों की बरसात हो जाती है। तो शायद इन्हें हक अधिकार की बात ना करके कांवड़ यात्रा निकालनी चाहिए, तो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से इनके ऊपर फूल बरसा दिए जाए। तो जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी में आप देखिए शिक्षा का स्तर किस तरीके से दबाया जा रहा है, और दबे कुचले लोगों को और दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं और अभी इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, अभी क्या कुछ रहेगा ये उस पर अगर हम चर्चा कर पाएंगे तो करेंगे, अगर ये यहाँ पर हमें मौजूद रहे ये मिलेंगे तो। बाकी आप देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।